साथियों, बिलासपुर कस्बे की एक बहुत बड़ी समस्या हल होने जा रही है। जल्दी पानी की टंकी का निर्माण शुरू होगा। आज अधिशासी अधिकारी जो यहाँ कस्बे में पहुंची थी, दीपिका शुक्ला जी और कस्बे की चेयरमैन लता सिंह जी के पति संजय भैया, तो उन्होंने बताया कि इसकी DPR लखनऊ भेजी जा चुकी है और जल्द ही पैसा इसका सेंक्शन होगा, जिसमें जेवर विधायक धीरेंद्र जी का भी पूरा योगदान है और जल्द ही यहाँ पर टंकी का निर्माण होगा, जिससे कस्बे की काफ़ी समय से जो मांग उठ रही है पानी की टंकी की, वो हल हो जाएगी। यानी जल्द ही इस टंकी का निर्माण शुरू होने जा रहा है कस्बे में। कुछ पेयजल को लेकर के समस्या मेरे भी संज्ञान में आई है, जिसके रिगार्डिंग आज अवर यही साहब ने जल निगम से यही साहब आए हुए थे और माननीय अध्यक्ष महोदय अन्य सभासदों की उपस्थिति में उन्होंने इसके बारे में पूरा डिटेल से समझाया है। और पेयजल से संबंधित DPR भी लगभग फाइनल हो चुकी है और लखनऊ प्रेषित की जा चुकी है। वहाँ से सेंक्शन होने के बाद जल निगम आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर देगा। पेयजल से जुड़ी व्यवस्था जो है जल निगम देखता है, नगर पंचायत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बहुत ज्यादा, इसलिए हम केवल उन्हें सहयोग ही दे सकते हैं, करना उन जल निगम को ही। देखिए, पानी की समस्या तो बहुत बड़े समय से हम और आप देख ही रहे हैं बिलासपुर की। उसी को देखते हुए हमने पहले तो RO का सोचा कि भाई टेम्परेरी एक थोड़ा सा काम ये हो जाएगा, RO लग जाएगा। टंकी की बहुत लंबी प्रक्रिया है और प्रक्रिया में हमने DPR भेज चुके हैं हम, और SDM साहब के यहाँ से DM साहब के यहाँ से फाइल होकर लखनऊ जा चुकी है, उस पर काम चल रहा है। आज हमारे EO साहब भी आए हैं मेम्बरों की, और EO मैडम के साथ बैठ कर सबने मीटिंग ली है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उस पर काम शुरू हो जाएगा और एक बहुत बड़ी समस्या जो कस्बे की है उस पर निजात मिलेगी हमें। संजय जी, आज बोर्ड बैठक हुई, विकास की क्या योजना है और पानी की टंकी को लेकर क्या प्रोग्रेस है, बिलासपुर कस्बेवासियों की मांग है? देखिए, पानी की समस्या, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और वैसे भी पानी की संख्या बहुत लंबे समय से बिलासपुर में समस्या चली आ रही है। टंकी पहले से 20-22 साल से टंकी खड़ी हुई है, लेकिन जो कामयाब नहीं हुई है, आज तक चालू नहीं हुई है। तो पानी की समस्या को देखते पहले तो हमने सोचा एक टेम्परेरी फेस है, थोड़ा सा RO वगैरह लगवाई, लेकिन उससे जो है काम नहीं चल रहा है। तो टंकी की भी हमने DPR भेजी और SDM साहब से DM साहब से भी मिले इस बारे में, और फाइल जो है लखनऊ पहुंच चुकी है। विधायक जी से भी मिले, विधायक जी ने भी जो है शासन में बात की है और उनका सहयोग से उम्मीद है कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगी, क्योंकि आज हमारे यही साहब भी आए हुए थे, EO मैडम और सांसद सभासद भाइयों के साथ बैठ के सारी मीटिंग हुई है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये चालू हो जाएगी। और क्या क्या विकास कार्य होंगे? अब विकास कार्यों की बात ये है कि देखिए, एक नाला है हमारा जो पूरे कस्बे को कवर करता हुआ आएगा, वो नाले का कुछ सड़कें भेजी हैं, जहाँ कॉलोनियों में सड़कें नहीं है वो भेजी हैं हमने, शमशान घाट के लिए भी, सौंदर्यकरण के लिए और कब्रिस्तान के लिए, मंदिरों और मस्जिदों के लिए भी हमने DPR बना के भेजी है, जो सौंदर्यकरण की जहाँ भी जरूरत है। एक हमारा धोबी घाट है यहाँ, और धोबी घाट के सौंदर्यकरण के लिए DPR भेजी है। तो उम्मीद है कि सारे काम बहुत जल्दी ही शासन से पास हो जाएंगे और विधायक जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और अभी आगे भी हमें उम्मीद है करते रहेंगे और उनके सहयोग से काम जल्दी ही हमें मिल जाएंगे।